हेलो फ्रेंड्स आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए एडिटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड लगाने वाले हैं इसका सेट नंबर फर्स्ट आप लोगों को दिया जा चुका है क्लास के लास्ट में थंबनेल पे क्लास नंबर फर्स्ट शो करेगा उसे भी आप लोग देख लें बिहार दरोगा की तैयारी करना चाहते हैं काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है आकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा बताइए किस अखबार या फिर पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था ऑप्शन नंबर सी पायनियर यहाँ पे सही जवाब है देखिए आप में से जो लोग पहली बार क्लास को देख रहे हैं ध्यान रखिएगा इसका सीट नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में आपको आंसर टिक किया हुआ मिलेगा नंबर फिफ्थ से पूरा फ्रेश यानी कि बिना टिक किए हुए क्लास आप लोगों को दिखा दिखाई देगा यहाँ पे पायनियर आपको ध्यान रख लेना है वर्णाकुलर प्रेस एक्ट सवाल आता है कब आया था 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में पारित किया गया था और इस एक्ट को पायनियर पत्रिका ने समर्थन किया था और इसे ध्यान रखें इसी एक्ट को लॉर्ड रिपन के शासनकाल में निरस्त भी किया गया था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध किसके शासनकाल के दौरान घटित हुई थी, थी? वारेन हेस्टिंग्स सही जवाब पहला वाला आंग्ल मराठा युद्ध सत्रह सौ पचहत्तर से लेकर के सत्रह सौ बिरासी तक चला था और अगर पूछेगा गवर्नर जनरल कौन तो वारेन हेस्टिंग्स बताना होता है यहाँ पे गवर्नर थे वारेन हेस्टिंग्स नंबर थर्ड उस्ताद मंसूर किसके दरबार में प्रमुख चित्रकार थे ऑप्शन सी जहांगीर के दरबार में थे द्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे ऑप्शन बी माधवाचार्य सही जवाब है दीवान एक वही विभाग की स्थापना किस शासक ने किया था मोहम्मद बिन तुगलक ए आपको यहाँ पे ठीक करना है सही जवाब हो जाएगा चंदावर का युद्ध कब हुआ था सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ग्यारह सौ चौरानवे में चंदावर के युद्ध जो गोरी और जयचंद है इन दोनों के बीच में हुआ था और इसमें गोरी की विजय यानी कि जीत हुई थी ध्यान रखें तराइन का पहला युद्ध ग्यारह सौ इक्यानवे में हुआ था दूसरा वाला ग्यारह सौ बिरानवे में हुआ था लोहार वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से संग्राम राज सी आपका भी सही जवाब हो जाएगा किस विद्वान ने बिंदुसार को सोलह राज्यों का विजेता बताया था तारानाथ सी सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखें बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और दो सौ अंठानवे ईशापुर में मगध की गद्दी पर ये बैठे थे तारानाथ ने बिंदुसार को सोलो राज्यों का विजेता भी बताया था वृद्धेश्वर मंदिर कहां पर स्थित है नंबर नाइन का सही जवाब हो जाएगा तंजौर में है मंदिर का निर्माण पूछा जाता है चोल शासक राज प्रथम के द्वारा किया गया था किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था ऑप्शन डी चौथे वाले में चतुर्थ सही जवाब है जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह था घोड़ा ऑप्शन डी निम्नलिखित में से कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है अथर्वेद सही जवाब हो जाएगा इस वेद में आपको ध्यान रखना है रोग निवारण जादू टोना तंत्र मंत्र ये सारी बातें इसमें दी गई है और इसी में इस वेद में ध्यान रखें सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियों के रूप में कहा गया है सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हून आक्रमण की जानकारी भी स्तंभ लेख से मिलता है और इस लेख का संबंध पूछेगा तो स्कंदगुप्त आपको बता देना स्कंदगुप्त से है वैदिक काल में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को अमाजू कहा जाता था किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसकी चुंबकीय क्षेत्र का होना होता है ऑप्शन बी बुद्ध आपको ध्यान रखना है बुद्ध सबसे छोटा ग्रह है इसका कोई उपग्रह नहीं है सूर्य के सबसे पास में है और इसी सबसे इसका सबसे विशिष्ट गुण जो है वो चुंबकीय क्षेत्र का ही होना है भूमध सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहा जाता है सही जवाब है स्ट्रॉम्बोली ज्वालामुखी को कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा देश अस्थलरुद्ध नहीं है थाईलैंड आपको डी टिक करना है अस्थल रुद्ध का मतलब आप समझ गए एक बार अच्छे से समझिए अस्थल रुद्ध का मतलब है उस तरीके का देश जिसका कि सीमा जो है ना समुद्र से नहीं लगता है अस्थल रुद्ध मतलब अस्थल से ही बस रहता है वो जो आपका समुद्र वाला पानी वाला एरिया है उससे नहीं लगता है थाईलैंड अस्थल रुद्ध देश नहीं है और सबसे बड़ा अगर स्थल रुद्ध देश पूछेगा तो आपको कजाकिस्तान बताना है आश्वान बांध किस नदी पर स्थित है बताएं नंबर एटीन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नील में नील नदी पर है बाबा बोधन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको सी बताना है कर्नाटक में है बाबा बोधन की पहाड़ी कौन सी नदी कृष्णा की सहायक नदी है तो आप यहाँ पे देखिए मूसी कोयना दूधगंगा पंचगंगा घाट प्रभा ये सारी नदियाँ कृष्णा की सहायक नदी है ठीक है और यहाँ पे यानी कि तीन मूसी दूधगंगा और कोयना बताइएगा जलांगी के बारे में याद रखिएगा जलांगी क्या है ये हुगली की सहायक नदी है आप लोग याद कर ही लीजिए आगे फिर से यह सारे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून के कारण होती है ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से लगभग चौहत्तर परसेंट के आसपास वर्षा इसी की वजह से होती है पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य की सीमा लगती है सही जवाब है पाँच के साथ लगती है असम मिज, असम मिजोरम पश्चिम बंगाल मेघालय और त्रिपुरा भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ ही लगती है जो चार हजार किलोमीटर का है भारत तथा चीन के मध्य में मैकमोहन रोक रेखा का निर्धारण वर्ष उन्नीस सौ चौदह में किया गया था शिमला तथा मिनाली का मनाली का जो क्षेत्र है हिमालय के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है लघु हिमालय बताइएगा देखिए शिमला कुल्लू मनाली मशहूरी ये सारे ना लघु हिमालय के अंतर्गत आता है इसके अलावा आ जाइए जैसे हरिद्वार है देहरादून है ये सारे शिवालिक के अंतर्गत आता है दीनदयाल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है ऑप्शन सी गुजरात भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई है यहाँ पे नहीं दिया गया क्योंकि ना भारत का जो स्थल सीमा की लंबाई है ये तो पंद्रह हज़ार दो सौ किलोमीटर की लगती है और तटीय भाग की लंबाई पचहत्तर सोलह आपको याद रखना है दशमलव आप अगर चाहें तो पाँच याद रख लीजिएगा ये किलोमीटर पचहत्तर सोलह सात हज़ार पाँच सौ सोलह किलोमीटर की लगती है भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है कानपुर सी सही जवाब हो जाएगा भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान भी पूछा जाता है कानपुर बताइएगा सीमा सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी 1965 में यानी कि जो बी है इसकी स्थापना 1965 सौ में हुई थी इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था ऑप्शन बी ट्रांसले आपको बताना होता है भारत का पहला पहला परमाणु रिएक्टर निम्नलिखित में से कौन सा है ये सही जवाब हो जाएगा तारापुर का है महाराष्ट्र में जो कि है अब यहाँ पे सवाल बन सकता है इसकी स्थापना कब हुई थी स्थापना हुई थी नाइन्टीन में राजा जी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में राजा जी उत्तराखंड में है ध्यान रखेंगे और इसकी स्थापना याद रखिए नाइनटीन में की गई थी राजा जी की भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था वर्ष 1980 में सी सही जवाब हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है ऑप्शन ए रोम हो जाएगा सही जवाब रोम यानी कि इटली में है स्थापना आप याद कर लें वर्ष उन्नीस में की गई थी और एक है अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष इसका भी मुख्यालय रोम यानी कि इटली में ही है राजनीति की रपटीली राहें पुस्तक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे हैं राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है चौबीस अप्रैल को और विश्व विरासत दिवस पूछेगा तो आपको अठारह अप्रैल बताना होता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत चावल का मूल प्रति किलोग्राम कितना निर्धारित किया गया आपको यहाँ पे तीन रुपया पर किलो बताना होता है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था पीसी सी साहब की अध्यक्षता में किया गया था कब राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में हुआ था उन्नीस में मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है जनसंख्या को ए सही जवाब सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी तो पहले वाले के साथ किया गया था पहली पंचवर्षीय योजना में सही जवाब हो जाएगा आर्थिक दृष्टिकोण से विनिर्माण तथा बिजली निर्माण किस क्षेत्र के, के अंतर्गत आते हैं ऑप्शन बी द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं संविधान सभा द्वारा गठित सलाहकार समिति के अध्यक्ष का नाम सरदार पटेल साहब थे सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया है ये सही जवाब अमेरिका से विधायी तथा सांसदों द्वारा ली जाने वाली शपथ या प्रतिज्ञा का प्रारूप किस अनुसूची में वर्णित है ऑप्शन बी राइट आंसर तीसरी अनुसूची में भारतीय नागरिकता को कितने तरीकों से समाप्त किया जा सकता है यहाँ पे तीन आपको ध्यान रखना है वंचित करना परिवशान होता है और एक होता है परित्याग के थ्रू और पांच तरह से मिल सकता है वंश से जन्म से रजिस्ट्रीकरण के द्वारा देसीकरण के द्वारा भारत के राज्य क्षेत्र में मिल जाने की वजह से भारत अगर किसी राज्य को किसी जगह को अपने एरिया में मिलाएगा तो वहाँ के रहने वाले लोग भी भारत के नागरिक कहलाएंगे किस संविधान संशोधन द्वारा छः से चौदह वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराया गया है छियासीवा संविधान संशोधन के थ्रू जो कि वर्ष 2002 में हुआ था राष्ट्रीय स्मारकों स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है अनुच्छेद उनचास में भारत के वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति का अपने पद के अनुसार क्रम क्या है आपको ये पता रखना है रामनाथ कोविंद साहब के लिए चौदहवां था और उपराष्ट्रपति जो वेंकैया नायडू थे ये तेरहवें नंबर के थे अभी एक एक डेटा बढ़ चुका है तो आप समझ गए होंगे लोकसभा अध्यक्ष अपना पत्र किसे देंगे लोकसभा के उपाध्यक्ष को भारत में किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा किस फार्मूले के आधार पर दिया जाता है गार्डगिल फार्मूले के आधार पर डी सही जवाब है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने समय के लिए छः वर्षों के लिए या फिर पैंसठ वर्ष याद रखिएगा इसके लिए होता है पंचायती राज संबंधी प्रमुख समितियों में किसका मिलान गलत है सिंधवी समिति 1988 गलत है ये 1986 एट्टी सिक्स यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा शिक्षा की सूची के अंतर्गत ऑप्शन सी हो जाएगा संवर्ती में चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है टेबल टेनिस भी सही जवाब भारत ने ओलंपिक में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था वर्ष 1928 में किस चीज़ में जीता था याद है आप लोगों को हॉकी में जीता था वर्ष 2021 में कुल कितने नागरिकों को पद्म पुरस्कार दिया गया 119 को दिया गया था याद रखिएगा किसी जीवित शरीर के भीतर कोशिका या उत्तक की मृत्यु को क्या कहते हैं ऑप्शन बी नेक्रोसिस कहा जाता है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों को दर्शाता है बी सही जवाब एक्स वाई प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होती है ऑप्शन भी किसमें होती है रासायनिक ऊर्जा में आपको यहाँ पे बताना होता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन फिफ्टी नाइन है निम्नलिखित में से कौन ग्रीन ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण नहीं है नाइट्रिक ऑक्साइड सी सही जवाब है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु स्तनपाई नहीं है शार्क नहीं है ए सही जवाब हो जाएगा मानव मस्तिष्क में कितने निलय होते हैं सही जवाब है चार होते हैं निम्नलिखित में से कौन मानव मूत्र का एक असामान्य घटक है एबल्यूमिन भी सही जवाब मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा भी सही जवाब यकृत कह रहे हैं कि वन पॉइंट फाइव ओम प्रतिरोध वाले एम्पियर पर एक सौ पचास लगाया जाता है तो प्रतिरोध द्वारा खर्च कुल शक्ति कितनी होगी सिक्सटी फोर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 15000 वाट पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का क्या कारण होता है ऑप्शन सी आसंजक बल की वजह से होता है तुलकारी तो उपग्रह के परिक्रमण की अवधि कितने समय की होती है चौबीस घंटे की ए सही जवाब पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ऑप्शन नंबर बी होगा आवर्तकाल बढ़ जाता है एक्स किरणें किस प्रकार की तरंग है विद्युत चुंबकीय सी सही जवाब जब किसी वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अनंत होता है वर्णान्धता नामक रोग को किसके प्रयोग के द्वारा दूर किया जा सकता है तो यहाँ पे कोई नहीं है क्योंकि देखिए वर्णान्धता जिसे आप कलर ब्लाइंडनेस कहते हो ना ये ये जो दोष है ना एक प्रकार का कहे अनुवांशिक होता है और इसको ना किसी भी लेंस के द्वारा दूर करना पॉसिबल नहीं होता है ऑप्शन डी इसीलिए आपको कहा गया निम्नलिखित में से कौन एक निष्क्रिय गैस का उदाहरण है ऑप्शन बी आर्गन आतिशीबाजी में हरा रंग किसके कारण दिखाई पड़ता है बेरियम की वजह से सी सही जवाब निम्नलिखित में से किसे विलियन भी कहा जाता है शमांी मिश्रण भी सही जवाब हो जाएगा एलुमिनियम को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जा सकता है ऑप्शन सी विद्युत अपघटन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण को मॉनिटर करता है सी सही जवाब है टर्न अराउंड इंडिया 2020 ट्वेंटी, ट्वेंटी। लेजेसी पुस्तक के लेखक आरपी गुप्ता साहब हैं हाल ही में किस राज्य ने नॉलेज मिशन नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया सेवेंटी सेवन का बी सही जवाब है केरल ओलंपिक टिकट पाने वाली पहली भारतीय तलवारबाज बनी कौन भवानी देवी सी सही जवाब हाल ही में भारत का पहला केंद्रीकृत ए सी रेलवे टर्मिनल कहाँ स्थापित किया गया है सी सही जवाब बेंगलुरु में हाल ही में किस राज्य ने नाव पुस्तकालय खोलने की घोषणा की है बी सही जवाब पश्चिम बंगाल सार्वजनिक स्थानों पर पूर्ण चेहरा ढकने पर प्रतिबंध लगाने हेतु किस राष्ट्र ने मतदान किया स्विट्जरलैंड सही जवाब वर्ष 2021 में दस्तलिक टू सैन्य अभ्यास का आयोजन किन दो देश के बीच में भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ भारत ने सेहतुत बांध के निर्माण के लिए किस देश के साथ समझौता किया यहाँ पे अफगानिस्तान डी सही जवाब है तिरानवेवें अकादमी पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन श्रेणी में शीर्ष दस लघु फिल्मों में से किस भारतीय लघु फिल्म को चुना गया एट्टी का डी सही जवाब है बिट्टू आप ध्यान रखिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में बी के प्रोप्लीन व्युपरण पेट्रोकेमिकल परियोजना का उद्घाटन तो केरल में किया गया हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया है अजय माथुर को ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2021 के अनुसार दुनिया में सबसे ज़्यादा सैन्य क्षमता किसके पास अमेरिका के पास है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ एम की मंजूरी प्रदान की उज्बेकिस्तान के साथ हुनर हार्ट 2021 का आयोजन लखनऊ में किया गया जिसका की थीम था वोकल फॉर लोकल आपको ध्यान रख लेना है किस प्रसिद्ध लेखक या फिर लेखिका को तीसवा स्वतंत्री सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया यहाँ पे आपको नाइन्टी का सी ध्यान रखना है कोविड नाइन्टीन टीकाकरण अभियान के प्रथम चरण की शुरुआत भारत में हुई थी सोलह जनवरी दो से निम्नलिखित में से कौन सा देश जी सेवन दो जो 2021 में होना था इसकी मेजबानी करेगा ब्रिटेन ने किया था ई ज्ञान मित्र ऐप किस केंद्र प्रशासित प्रदेश के लिए जारी किया गया दादर नगर हवेली एवं दमनद्वीप के लिए जलवायु पर्दर, परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान था दसवां केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार 2021 भारत में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई थी सौ सही जवाब है यहाँ से मैथ्स का सवाल है आंसर तो फिलहाल ठीक किया हुआ है ही आप लोग इसे जरूर देख लें चलिए आप लोगों से अब एक सवाल पूछा जा रहा है कमेंट करके बताइए जिनको भी जवाब पता होगा आप कमेंट जरूर करके बताइएगा अकबर के द्वारा एक संबंध की शुरुआत की गई थी जिसका कि नाम है इलाही इलाही संबंध बताइए किस इश्यू में किया गया था ऑप्शन आप ले लीजिए पंद्रह सौ बिरासी तिरासी पंद्रह पचहत्तर पंद्रह सौ तिरसठ अगर इसके अलावा कोई और भी ऑप्शन आपका हो आपको आंसर कमेंट करके बताना है जल्द ही इसका नेक्स्ट और क्लास आएगा बिहार दरोगा का क्लास प्रॉपर वे में यहाँ पे आएगा आप में से जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट है जल्द से जल्द उसे आप लोग देख लीजिए इसके अलावा एन सी ई आर टी सार संग्रह का भी क्लास है उसे भी आप लोग देखिएगा काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा है। मिलते हैं जल्द ही एक और नए क्लास के साथ